अयोध्या में अयोध्या धाम, नेमिस में नेमिस तीर्थ फिर से पुनर्जीवित हो गया, विंध्यवासिनी कॉरिडोर एक नए रूप में है, ब्रजभूमि फिर से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और हर एक क्षेत्र में, चाहे वह प्रयागराज का कुंभ हो, चित्रकूट हो, सुख तीर्थ हो, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, यानी सूफी परंपरा हो, भक्ति परंपरा हो, शक्ति के केंद्र हो, हेरिटेज एडवेंचर से इको टूरिज्म से जुड़े हुए स्थल हो, इन सभी को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि जिस प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था, आज उस प्रदेश में, मुझे याद है जब हम लोग 2017 में आए थे तो हमारा लक्ष्य था कि जितनी प्रदेश की आबादी है कम से कम इतने टूरिस्ट तो यूपी के अंदर आने चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि जितने उत्तर प्रदेश की आबादी आज उससे दुगने टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये रिजल्ट है, बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलते रहे, रिजल्ट क्या है अंत में? कोई कितना भी बोले कि मैंने ये किया, मैं वो कर सकता था, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? रिजल्ट पर ही यश निर्भर करता है कि उनके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक थे या नहीं थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज हम अयोध्या जाते हैं, होटल बुक है, टैक्सी बुक है, मार्केट कई गुना बढ़ चुका है, रेस्टोरेंट में दिल रखने की जगह नहीं है, हर व्यक्ति खुश है। और न केवल अयोध्या का बल्कि लखनऊ के होटल भी फुल है, वाराणसी के फूल हैं, गोरखपुर के फूल हैं, प्रयागराज के फूल हैं। ये चीजें दिखती हैं कि कार्य हुआ तो उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। लोग आना चाहते हैं, दुनिया आना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है। जिस युक्ति के बारे में ये था कि भाई वहां जाएंगे उपद्रव हो जाएंगे, आज उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया है, उत्सव की भूमि है, उत्सव की भूमि। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि अराजकता है, अराजकता नहीं है, उस अराजकता को डबल इंजन सरकार ने आस्था में बदल दिया है, आस्था को आजीविका के साथ भी बदला है। जिस उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि देश के विकास में ब्रेकर है, अब ब्रेकर नहीं है, देश के विकास का ब्रेक थ्रू का काम तो देश की इकोनॉमी के लिए कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ संस्कृति के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक भी बना हुआ है। अब याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अवसर पर इस बात को कहा कि देश के राज्यों को यूपी से सीखना चाहिए। यूपी जो कभी बीमारू राज्य था, सात वर्ष पहले आज वो बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, देश का सबसे ज्यादा निवेश अपने प्रदेश में करा रहा है, और इस निवेश में सर्विस सेक्टर की बड़ी भूमिका है। अच्छे होटल आए हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, अच्छे मॉल बन रहे हैं, सेवाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं, हर एक सेक्टर में आगे बढ़ने का कार्य हुआ है, नए नए गाइड पैदा होकर के लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं गांव में जाता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं या किसी कस्बे में जाता हूं, वहां मुझे कोई धर्माचार्य मिलता है, वहां का कोई बुजुर्ग मिलता है, उस क्षेत्र के कोई महानुभाव मिलते हैं, अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने जिनके पास एक अनुभव है, और जब उनसे चर्चा होने लगती है तो मुझे बोलने लगते हैं कि देखिए हमें एक काम आपका बहुत अच्छा लगा। मैं पूछता हूँ क्या हो गया, कहते हैं साहब हमारे यहाँ इतना प्राचीन ये स्थल था, इस स्थल को सुंदरीकरण का कार्य करा दिया आपकी सरकार ने। तब मैं कहता हूँ
धन्यवाद देना है तो आभार व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी के प्रति करिए, और धन्यवाद देना है तो हमारे लोकल सांसद और विधायक को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने इसका प्रस्ताव हम तक पहुंचाने का काम किया। आज जो 650 से अधिक परियोजनाओं का यहां पे आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, ये सब उन्हीं के प्रस्तावों पर आधारित है। कोई मंदिर है, कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसका व्यवस्थित विकास का कार्य हो रहा है, कहीं पे इको टूरिज्म की किसी साइट को डेवलप करने का कार्य हो रहा है, कहीं एडवेंचर से जुड़ा हुआ कोई स्पॉट है उसको डेवलप करने और वहां तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम जब किसी धार्मिक स्थल को विकास करते हैं या किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी को संरक्षित करने का कार्य करते हैं तो इसके साथ हम अपने अतीत को भी संरक्षित करते हैं, आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में उस विकास के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं कि वह अतीत की इन घटनाओं से कुछ प्रेरणा भी प्राप्त कर सके। यहाँ जाके यहाँ देखें पर टूरिज्म के साथ साथ वह अपने अतीत के साथ जुड़ भी सके, उन गौरवशाली पलों के साथ जुड़ भी सके। आज दुनिया अयोध्या या काशी क्यों आती, इसी अपने अतीत को जोड़ने के लिए आती है, देखने के लिए आती है। अयोध्या के बारे में लोगों ने सुना लेकिन पहले भय के मारे नहीं आते थे, आज जो लोग आ रहे हैं संतुष्ट होकर के जाते हैं कि पहले जो भय था वह भय अयोध्या ने दूर कर दिया है, अब हम अयोध्या आ रहे हैं। काशी आते हैं, पहले जो कहा जाता था संकरी गली है, 10 टूरिस्ट और श्रद्धालु भी एक साथ दर्शन नहीं कर सकता, आज वे काशी विश्वनाथ धाम आए। प्रधानमंत्री जी का विजन जमीनी धरातल पर किस प्रभावी ढंग से वहां पे मूर्त रूप लिया है, 50,000 श्रद्धालु भी एक बार आ जाए तो कोई समस्या नहीं है, एक समय में आ गया। आज आप नेमिस में देख सकते हैं विंध्यवासिनी धाम की क्या स्थिति थी, विंध्यवासिनी धाम में एकदम संकरी गली सी थी, आज जाके देखिए विंध्यवासिनी धाम में लाखों लोग आ जाएंगे तब भी कोई समस्या नहीं। अभी गत नवरात्रि में मैं देख रहा था कितने लोग आए, मैं पूछ रहा था कितने लोग आए, तो लोगों ने मुझे बताया कि यहां पे एक साथ एक दिन में यानी 24 घंटे में 36 लाख लोग अकेले विंध्यवासिनी धाम का दर्शन किए थे, 36 लाख। अभी हमने, मैं तो बार बार पर्यटन विभाग से कहता हूं हमें हर जगह सीसीटीवी कैमरे को ईआई टूल के साथ जोड़ देना चाहिए, अपने आप वो बता देगा कितना टूरिस्ट आपके पास आ रहा है और इसके काउंट करके आप भेजिए इसको, इसमें डोमेस्टिक भी है और फॉरेन टूरिस्ट भी है, दोनों प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, और आप देखना कि ये संख्या कई गुना बढ़ेगी है, क्योंकि अभी तो आपने डाटा कैप्चर किया ही नहीं। हम लोग तो देखने के हर एक स्थल का अलग 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 प्रकार की जानकारी लेते हैं तो हम लोग थोड़े बहुत डाटा हम ले लेते हैं, लेकिन शेष अगर हम उस डाटा को कैप्चर करके उसको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा दें, उत्तर प्रदेश के समकक्ष कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है, और ये अपार संभावनाएं हमारे पास है। माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, इसके माध्यम से हमने अपने सर्विस सेक्टर को स्ट्रेंथन किया और इस सर्विस सेक्टर की सुदृढ़ता के कारण उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी मजबूती आई है। आज उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म को तो काफी प्रमोट किया, अब हम लोगों ने बुंदेलखंड के किलों पर कार्य करना प्रारंभ किया है, या प्रदेश की प्राचीन ऐसी इमारतों को, प्राचीन किलों को हम होटल के रूप में और अन्य पर्यटन की गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर भी हमारा कार्य चल रहा है, और मैं चाहूंगा कि बहुत तेजी के साथ विभाग को इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। बिना संकोच के पॉलिसी लाइए, उस पॉलिसी पर प्रभावी ढंग से अमल करते हुए आगे बढ़ जाइए। मुझे लगता है देश और दुनिया यहां की तरफ देख रही है, आना चाहती है, उसको आकर्षित करने की तैयारी हमें करनी चाहिए।
टूरिस्ट मैप, डिजिटल टूरिस्ट मैप आप तैयार करिए साथ ही साथ, अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से कार्य करें। और हमारा प्रयास होना चाहिए हर एयरपोर्ट पर, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टेशन पर एक टूरिस्ट डेस्क भी आपका तैयार होना चाहिए, आपका एक वहां पे टूरिस्ट फेलो वहां मौजूद होना चाहिए जो लोगों को इसके बारे में गाइड करे, बताएं हर प्रकार की सेवा के बारे में, वहां बताएं वहां के टूरिस्ट के महत्वपूर्ण स्पॉट कौन से हैं, कहां कहां लोगों को जाना है इनके बारे में बताएं, रहने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, अलग अलग उसमें आपको इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। यूपी इतना लंबी रेखा यूपी खींच लेगा कि कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस स्पीड को आगे बढ़ा करके जो परिणाम प्राप्त किए हैं इसको हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का, इसको हम और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, और ये तब जब अगले वर्ष प्रयागराज का कुंभ भी है। 2025 में प्रयागराज का कुंभ फिर से 19 से बेहतरीन प्रदर्शन करने की तैयारी कर सके, स्वच्छता के लिए, सुरक्षा के लिए, सुव्यवस्था के लिए, इसकी तैयारी अभी से हमारी प्रारंभ हो चुकी है। बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट को हमने अभी से जमीनी धरातल पर उतारना प्रारंभ कर दिया है। एक बदले हुए प्रवेश में हमें उन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ना है। हमारे यहां इको टूरिज्म की जितनी संभावनाएं हैं, चूका की चर्चा या फिर कर्तनिया की चर्चा, दुधवा की चर्चा, यहां पे अभी डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी कर रहे थे, हम तो कुकरेल में ही नाइट सफारी लेकर के आ रहे हैं, इसी कुकरेल में कुकरेल नदी को हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, बड़े कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप याद करिए, लखनऊ के लिए और राजधानी के लिए एक ऐसा अवसर होगा ये नाइट सफारी जो एक नई पहचान दिला देगा, और मुझे लगता है कि वह अवसर है जब हम आगे बढ़ करके इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन के लिए बल्कि उनके मनोरंजन के साथ साथ हम प्रकृति के साथ इतना संवाद बना पाएंगे, जीव सृष्टि के साथ हमारा संवाद इतना नजदीक से देखने को मिलेगा कि लोग उसके संरक्षण के लिए उसका दायित्व भी अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो पाएंगे। आज का एक कार्यक्रम एक अच्छा प्रयास है। पर्यटन विभाग को इन सभी कार्यक्रमों के लिए जो कार्य आज लोकार्पित हो रहे हैं इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है उस कार्य, उन कार्यों की मानक की गुणवत्ता बनाए रखते हुए एक समयबद्ध तरीके से उन कार्यों को हम पूरा करवा लें, जिससे नए कार्यों को फिर आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार के निर्णय को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हम उत्तर प्रदेश को, चाहे वह गांव का मंदिर हो, कोई पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई स्थल हो, कोई एडवेंचर या फिर इको टूरिज्म से या हेरिटेज के टूरिज्म से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण स्थल हो, इन सब को हम व्यवस्थित रूप से विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर डबल इंजन सरकार के इस प्रयास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, और मुझे विश्वास है आप सब इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।